नमस्कार दोस्तों, वाहन भंडार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबके लिए एक स्वराज 843 XM ट्रैक्टर लेके आया हूं और इस ट्रैक्टर के ये ऑनर है। चलिए इनसे जानकारी लेते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में और कुछ इस ट्रैक्टर की खासियत है और खूबियत भी है इसमें, वो भी हम आपको बताते हैं वीडियो में। हाँ, नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, एक बार अपना नाम बता दीजिए। हीरामणि सिंह। अच्छा, और ये आपके पास ट्रैक्टर कब से है? 10 मार्च से है, 10 में खरीदा। अच्छा, 2010 में आपने खरीदा था। और ये कितने का खरीदा है? ये है उस समय 5.5 का। और क्या क्या लिया था आपने? ट्रैक्टर, कल्टीवेटर। अच्छा, और इससे आप काम क्या क्या करते हैं? सारा काम करते हैं, जितना काम है ट्रैक्टर, किसानी का जितना भी काम है वो सारा आप इसी ट्रैक्टर से करते हैं। और सबसे ज़्यादा आप किसानी में इससे क्या इस्तेमाल करते हैं? जुताई है, रोटरवेटर है, कल्टीवेटर है, रोटरवेटर है। अच्छा, और क्या आप इससे किराए का काम करते हैं? किराया भी काम करते हैं। अच्छा, और ये टायर आपने कितनी बार बदलवाए होंगे इस ट्रैक्टर के? टायर इसका 2 बार हो गया। अच्छा, मतलब देखा जाए तो 12 साल में 2 बार इसके टायर बदलवाए गए हैं। और इसका डीजल खर्चा कैसा है, कुछ बताएंगे? डीजल इसका 4 लीटर। सबसे ज़्यादा ये 4 लीटर ही डीजल लेता है। और कितने सिलेंडर गाड़ी है? 4 सिलेंडर। 4 सिलेंडर की। ये देखे तो आपने इसका साइलेंसर चेंज किया हुआ है, लगता है महिंद्रा का इसमें साइलेंसर लगाया है। ये साइलेंसर महिंद्रा का है। अच्छा, महिंद्रा का ही है। और इस ट्रैक्टर के बारे में बताएं आपको हम, तो ये आधा स्वराज का है और आधा महिंद्रा का है। आप देखेंगे तो ये 4 सिलेंडर गाड़ी है, जो कि आपको अलग से देखने में समझ में आएगा यहाँ पे कि यहाँ पे कंपनी ने अलग से जॉइंट करके दिया है। ये देखिए, जो कि सिर्फ आपको इसी ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा, और किसी ट्रैक्टर में तो मैंने आज तक नहीं देखा, बस इसी में देखा है। क्यों भैया? सही है, इसी में ही बस आता है ये जॉइंट, जिससे कि इंजन और गियर बक्से की मजबूती बनी रहे और ट्रैक्टर ये खुले भी ना, अगर कहीं फंस वस जाए, खिंचाई उचाई की जाए, तो पहले से ही कंपनी ने ये सब कुछ करके दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे अलग से आपको जॉइंट समझ में आएगा, जो कि अलग अलग है। उसके बाद यहाँ पीछे से ये स्वराज का इसमें सब कुछ है, ये पुराने टाइम का ही है। तो जैसा आप देखेंगे यहाँ पे, ये इसका टापा जो है, ये पूरा का पूरा लोहा इसमें लगा हुआ है। आजकल के जो आते हैं तो यहाँ से फ्लैट होता है। और मीटर फंक्शन और सारी चीज़ें देखें तो वही नॉर्मल मीटर फंक्शन के साथ ये ट्रैक्टर है। लिक्विड कूल एयर फिल्टर है इसमें, और बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है। जैसा आपको ऑनर ने बताया कि ये सारे काम करते हैं, और मैंने भी इसमें देखा है कि ये ट्रैक्टर 42 HP के साथ आता है, पर ये 50 HP तक का इससे काम लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।